नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है यूज्ड टू का प्रेजेंट। इससे पहले मैं आपको यूज्ड टू का पास्ट, यूज्ड टू बी का पास्ट और यूज्ड टू हैव का पास्ट पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, बहुत एडवांस्ड तरीके से मैंने वहां पर समझाया है। और इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ एडवांस्ड तरीके से पढ़ाया है, चाहे वो ग्रामर का पार्ट हो, चाहे वो वर्ड मीनिंग का पार्ट हो, चाहे वो स्पोकन का पार्ट हो। हर चीज की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। चलिए, आज का टॉपिक है यूज्ड टू का प्रेजेंट। इसमें हम एजेएमआर की सहायता से सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। एक हेडिंग लिखा है मैंने, एजेएमआर यूज्ड टू प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसा कि पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, यूज्ड टू का इस्तेमाल हम हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। जो इससे पहले मैंने पढ़ाया यूज टू का पास्ट, वो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आज हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट इज यूज्ड टू समथिंग एंड समवन। इस समथिंग और समवन में आपको नाउन या प्रोनाउन की सहायता से आप यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट किसी भी चीज का आदि है, अभ्यस्त है या फेमिलियर है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं एजेएमआर के साथ। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के साथ आपको एजेएमआर का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन लगा के सेंटेंसेस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज यूज्ड टू दिस गेम। राम को इस खेल की आदत है, राम इस खेल का आदि है या अभ्यस्त है। इस तरह आप यूज्ड टू का इस्तेमाल प्रेजेंट में कर सकते हैं एजेएमआर की सहायता से। यूज्ड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सेंटेंस कोई भी हो आपको यूज्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, शी इज यूज्ड टू द सिटी। मतलब वह शहर की आदि है, मतलब वो शहर से फेमिलियर है, शहर उसके लिए जाना पहचाना है, मतलब वो शहर से परिचित है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई गेस्ट आया हो और वो कहीं घूमने गया हो किसी काम से शहर में, और किसी को उसकी फिक्र हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि वह शहर से परिचित है, वह शहर से यूज्ड टू है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वह कहीं भी गुम नहीं होने वाली है, आप परेशान ना हो। तो शी इज यूज टू द सिटी का मतलब क्या है, वह शहर से परिचित है, शहर उसके लिए जाना पहचाना है, वह शहर की आदि है, उसे शहर की आदत है, वो कहीं भी गुम होने वाली नहीं है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में यूज टू का इस्तेमाल प्रेजेंट में कर सकते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, जैसे उसे पैसों की आदत है, उसे सोशल साइट्स की आदत है, उसे वीडियो गेम्स की आदत है, और किसी भी चीज की आदत हो, लत हो, आदि हो, फेमिलियर हो, इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एजेएमआर के साथ यूज्ड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव कराया गया है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि अब हम बेसिक कंप्लीट करके एडवांस्ड ग्रामर की तरफ जा रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसकी सहायता से आप पूरी की पूरी ग्रामर को समझ सकते हैं और ग्रामर को समझने में मदद मिलती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। मैंने कुछ ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसकी सहायता से आप पूरी ग्रामर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में जब मैं एडवांस्ड पूरी की पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा तो मैं इसी की सहायता से आपको पूरी की पूरी ग्रामर में कब कहाँ एनजी पहले लग जाता है, कहाँ पे टू प्लस वी वन लग जाता है, कहाँ वर्ब में एनजी लग जाता है, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या पार्सिंग है, कहाँ पे क्या नाउन प्रोनाउन है, पूरी की पूरी ग्रामर आप इन्हीं कुछ बेसिक पॉइंट्स की सहायता से आप समझ सकते हैं और मुझे समझाने में आपको मदद मिलेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए कॉपी में और इनको
ध्यान रखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप एडवांस्ड ग्रामर पढ़ेंगे तो हमें इन बेसिक पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यूज टू का इस्तेमाल हम किसी भी चीज का आदि होने के लिए करते हैं, आदत होने के लिए करते हैं, आदि होने के लिए, अभ्यस्त होने के लिए, या परिचित होने के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको नाउन या प्रोनाउन की सहायता से ही सेंटेंसेस बनाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको इजेमआर लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको यूज्ड टू के साथ आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। नेगेटिव में यूज्ड ही लगेगा क्योंकि यह एक एडजेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेंटेंस कोई भी हो आपको हमेशा यूज्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट यूज्ड टू सच बिहेवियर, इसका मतलब है वह इस तरह के व्यवहार की आदि नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज नॉट यूज्ड टू सोशल साइट्स, मतलब उसे सोशल साइट्स की आदत नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज टू का इस्तेमाल नेगेटिव में भी कर सकते हैं, मतलब उसे पैसों की लत नहीं है, उसे गेम्स की लत नहीं है, या आदत नहीं है, या फिर उसे फास्ट फूड की आदत नहीं है, उसे गर्मी की आदत नहीं है, उसे ठंडी की आदत नहीं है, या ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए जहाँ पे यूज टू के बाद नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद आपको नाउन और प्रोनाउन लगाना होगा क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव में भी आपको यूज्ड का ही इस्तेमाल करना है इजेमआर के साथ, क्योंकि यहाँ पे यूज्ड वर्ड की सेकंड फॉर्म नहीं है और थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स नहीं बदलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको इजेमआर का इस्तेमाल करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन की सहायता से सेंटेंसेस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू यूज्ड टू बुक्स, क्या आप किताबों के आदि है या क्या आपको किताबों की आदत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इज ही यूज्ड टू शेयर मार्केट, क्या वह शेयर बाजार का आदि है। तो किसी भी चीज के आदत के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी यूज्ड का ही इस्तेमाल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव में इंग्लिश में हम इजेमआर से स्टार्ट करते हैं और हिंदी में हम क्या से स्टार्ट करते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे क्या उसे फास्ट फूड की आदत है, क्या उसे सोशल साइट्स की आदत है, क्या उसे पैसों की आदत है, या और भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको इजेमआर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, इजेमआर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर आपको यूज्ड टू के साथ आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आर दे नॉट यूज्ड टू ईट, क्या उन्हें इसकी आदत नहीं है। इसमें कुछ भी आप हो सकते हैं, जैसे मान लें कोई शहर में नया आया हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो आप और वो परेशान है, तो आप कह सकते हैं आर दे नॉट यूज्ड टू ईट, क्या उन्हें इसकी आदत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इज ही नॉट यूज्ड टू मनी, क्या वह पैसे का आदि नहीं है, मतलब क्या उसे पैसों की आदत नहीं है, लत नहीं है। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए जहां पे आदत की, लत की, फैमिलियर की बात हो, यूज टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये मैं नाउन और प्रोनाउन की सहायता से सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं, इसके बाद में एक्शन वाला भी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं डब्ल्यू एच फैमिली के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विद होम, फिर आपको इजेमआर का इस्तेमाल करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको यूज्ड टू, फिर आपको
नाउन या प्रोनाउन लगाना है और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज ही यूज्ड टू मनी, वह पैसे का आदि क्यों है, मतलब उसे पैसे की लत क्यों है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई आर यू यूज्ड टू फास्ट फूड, आप फास्ट फूड के आदि क्यों है। तो किसी भी चीज का अभ्यस्त होना, आदि होना के कॉन्टेक्स्ट में आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं डब्ल्यू फैमिली के नेगेटिव के रूल की बात करूं, तो पहले आपको डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, फिर आपको इज एम आर लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको यूज टू के बाद नाउन या प्रोनाउन लगाना है। नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, प्रोनाउन का आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, और नॉट को आप पहले लाके शॉर्ट फॉर्म की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इज नॉट का इजंट होता है टाइम बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर दे नॉट यूज टू बुक्स, वे किताबों के आदि क्यों नहीं है, मतलब उन लोगों को किताबों की आदत क्यों नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई इज ही नॉट यूज टू होमवर्क, मतलब उसे होमवर्क की आदत क्यों नहीं है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यूज टू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में इज एम आर के साथ करते हैं, और यूज्ड एक एडजेक्टिव है, तो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सब में आपको यूज्ड ही लगाना होगा, क्योंकि यूज्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होता है। तो आपको सारे सेंटेंसेस में यूज्ड की सहायता से ही सेंटेंसेस बनाने होंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो किसी भी हैबिट के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल इज एम आर के साथ प्रेजेंट में कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। होप आपको यूज टू समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए, उसे फोन की आदत है, राम को गेम्स की आदत नहीं है, क्या उसे चॉकलेट की आदत है, क्या उन्हें चाय की आदत है। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए। अगर आपको यूज टू समझ में आ गया हो तो इन सारे एग्जांपल्स को बना के कॉमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, और कोशिश कीजिए कुछ और एग्जांपल्स बनाने की। जब तक आप एग्जांपल्स नहीं बनाएंगे आपको हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी बोलने में, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स बनाने की। इसमें कोई काम नहीं होगा, इसमें इज एम आर के बाद आपको यूज टू की सहायता से नाउन या प्रोनाउन लगाना होगा। नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म सेम होता है, पर प्रोनाउन का अलग होता है। जैसे राम का ऑब्जेक्ट रामी होगा, पर आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, शी का ऑब्जेक्ट हर होगा। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन का लगाना है, या फिर आपको नाउन अगर कोई है तो नाउन की सहायता से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं चाहता तो शॉर्ट कट में भी समझा सकता था, पर जो बच्चे समझदार है वो तो समझ जाते हैं, पर जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं उन्हें समझने में प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारे रूल्स को लिख के अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की, ताकि जो जूनियर बच्चे हैं वो आसानी से समझ पाए, क्योंकि जो सीनियर है वो तो मैनेज कर लेते हैं, समझ जाते हैं, पर ज़्यादातर उन बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है जिन्हें बेसिक में प्रॉब्लम है और वो रूल्स नहीं बना पाते हैं और एग्जाम्पल्स भी नहीं बना पाते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि वीडियो उनको नहीं मिलता है, तो चैनल पे जाके एक बार नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता रहे। और फिर भी आपको नहीं मिलता है कोई वीडियो, तो आप लेटेस्ट वीडियो जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। ओके, थैंक यू।